सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं प्रवाह वर्क बुक इंग्लिश कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम वर्कशीट 11, 12, 13, 14, 15 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। वर्कशीट 11, लिस्टन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। स्टैंड अप, सिट डाउन, टच योर एल्बो, राइज योर हैंड, टच योर हेड, ये टीचर आपको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्टन टू योर टीचर एंड अलाउड द सेंटेंस एंड कमांड्स एंड देन राइट एप्रोप्राइट कमांड इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें कमांड लिखना है। जंप यानी कूदना, रन दौड़ना, बो डाउन गिर जाना, राइज योर हैंड। इसमें पहले में देखिए, रोहन इज अटैक बाय द बीज। रोहन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, तो रोहन क्या करेगा? रन यानी दौड़ेगा। दूसरा चित्र दिख रहा है। रीमा वांट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा क्लास में कुछ प्रश्न पूछना चाह रही है, तो ये हाथ ऊपर कर रही हैं। राइज योर हैंड, हाथ ऊपर करना। सविता ड्रॉप्ड सम पैक्स। सविता नीचे कुछ गिर गए हैं, तो ये करेगी वो डाउन यानी नीचे झुकना। वरुण फाइंड्स ए पेडल ऑन हिज वे, तो ये है नीचे कुछ रास्ते में कीचड़ आ गया, तो ये क्या वरुण करेगा? जंप करेगा, यहाँ से कूदेगा। ये था वर्कशीट 11। वर्कशीट 12, लिस्टन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट अ मेयर फॉल्ट देन ए मेक पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। अमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। इट इज 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड इज सुटेड ऑन ए हिल। इट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डिस्टेंशन। इट इज ऑल्सो नाउ एज आमेर पैलेस। राजा मानसिंह रूल्ड हर। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुखमहल, शीश महल एंड दीवान ए आम आदि। देयर आर मैनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड सोनियर्स। देयर इज ए ब्यूटिफुल लेक नियर इट विच मेक द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटिफुल। ये आमेर का किला है जयपुर का। इसके नीचे कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे हम। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट इन अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके जिले में भी कोई किला हो तो लिखें, जैसे सज्जनगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट आदि जिले। इफ यूर गेट टू गो टू द फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। आई शैल विजिट इट एंड एंजॉय एंड हैव फन। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए वर्ड सोवेनियर्स गिवन इन द पैसेज। डिस्कस इट्स मीनिंग विथ योर टीचर एंड राइट हियर। सोवेनियर्स मीन्स समथिंग दैट ए कीप्स टू रिमाइंड अस ऑफ द समवेयर वी टू हैव ए बीन हॉलीडे और ऑफ स्पेशल इवेंट यानी स्मृति चिन्ह। सोवेनियर्स मीन्स स्मृति चिन्ह है। ये था वर्कशीट 12। वर्कशीट 13 का हल देखेंगे हम। लुक एट द गिवन पिक्चर, नीचे चित्र को देखें। एंड नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट पीपुल
एज पॉसिबल। नीचे वस्तुएं और ऑब्जेक्ट, लोग, उनका नाम हमें नीचे लिखना है। चित्र दिख रहा है हमें एक बाजार का, इसमें यहाँ यह आदमी सब्जियां बेच रहा है, ये औरत मछलियां बेच रही है, इधर एक बैलगाड़ी में कुछ धक्का दे रहे हैं, पीछे मकान हैं, ये दुकानें हैं, ये भी शॉप है, ये औरत सब्जी लेके जा रही है। नीचे देखें यहाँ पर एक सुअर बैठा है, ये औरत, ये बच्चा दौड़ रहा है, इसके पीछे एक आदमी दौड़ रहा है, ये औरत कुछ सामान ले रही है। ये हमें चित्र दिख रहा है सब्जी मंडी का। अब इसमें हमें क्या क्या वस्तुएं दिख रही है नीचे लिखेंगे। बास्केट, टोकरी, केट, बिल्ली दिख रही है, ये है बिल्ली, पीछे चूहे के पीछे दौड़ रही है, वो भी दिख रहा है। बास्केट, फिश, स्केल्स, कैरोट, गाजर, केट, रेट, कॉलीफ्लावर, डॉग, बॉय, गर्ल, मैन, आदमी, हुमन, औरत, ग्रीन ग्रोवर, पुस्कार्ट, स्कर्ट, बेग, ऑक्स, ट्री, हाउस, बर्ड्स, क्रो, पेरोट, स्लीपर, गार्लैंड, स्केल्स, वेजिटेबल यानी सब्जियां, फ्लावर पॉट्स, गमले, फ्लावर यानी फूल, डेरी, डेरी दूध की, मिल्क यानी दूध, और टेंपल यानी मंदिर, ये सब वस्तुएं इसके अंदर हमें दिख रही है। ये था वर्कशीट 13, वर्कशीट 14। डिसाइड द गिवन राइम विद द एक्शन एंड लेबल द गिवन पिक्चर। बाइट्स ऑफ पेपर, बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़े, पेपर के टुकड़े, लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, फर्श के ऊपर, मेक द रूम अनटाइडी, मेक द रूम अनटाइडी, रूम गंदा, पिक देम अप, थ्रो देम इन द डस्टबिन, वापस हमें उठाना है और कहाँ डालेंगे, डस्टबिन के अंदर। नीचे चित्र है, उनके हमें नाम लिखने हैं। ये दिख रहा है हमें कैप बोर्ड, या लिखिए आप कैप बोर्ड, जहाँ सामान रखने का, उसके नीचे है और टेलीविजन यानी टीवी, ये है कप, या लिखिए आप कप, ये ऊपर है यहाँ डोर यानी दरवाज़ा। इसके बाद ये है यहाँ बेड, सोने का बेड, ये यहाँ कंबल है, कंबल, ये है शर्ट, ये बेंच है, बॉय है, लड़का, ये है टेबल, और ये हमें दिख रहा है कप। और भी वस्तुएं आपको जो भी दिख रही है आपके मन से यहाँ लिख सकते हो, और भी जैसे ये पेपर है, और ये बैग है, जो भी इसमें सामान दिख रहे हैं उनके हमने नाम लिख दिए हैं, आप भी इनको देख के लिख लें। ये था वर्कशीट 14। फॉर्मेटिव असेसमेंट दो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स, ये होगा फार्मर्स, जो फसलें उगाता है किसान। सिलेक्ट द प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइड दिस पिज्जा, गीता एंड रवि, इन दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे, बीच में आएगा बिटवीन। टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, तो ये आएगा हरी अप। द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर, हमें चित्र में क्या नहीं दिख रहा है जो लिखना है, जैसे गर्ल दिख रही है, ट्री, पेड़ दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल सुंदरता दिख रही है, मून यानी चंद्रमा नहीं दिख रहा हमें, सूरज दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ चंद्रमा नहीं दिख रहा, उस पर राइट करें। रीड दी गिवन राइमिंग एंड आंसर क्वेश्चन 5 and 6। रेन रेन गो अवे, कम अगेन सो अदर डे,
लिटिन पार्क वांट्स टू प्ले कम अगेन सो अदर डे. व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन्स? गो अवे मीन्स चले जाना या गायब होना. द वर्ड टू गो अवे मीन्स टू डिसअपीयर या लीव. व्हाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे? तो सी वांट टू प्ले सो सी वांट द रेन टू गो अवे. रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. पैसेज पढ़े और नीचे प्रश्नों के उत्तर दें. राजू हैज ए डॉग नेम टिम. ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन एंड टिम गॉट आउट. ही वॉज लॉस्ट. राजू लुक्ड फॉर टिम बिहाइंड हिज होम एंड एट द पार्क बट ही वॉज नॉट देयर. राजू फाउंड टिम इन द प्ले ग्राउंड ऑफ दिस स्कूल हिज स्कूल. राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड द अदर टिम. वॉट हैपन्ड ऑन मंडे? ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन एंड हिज डॉग टिम गॉट आउट. ये यहाँ आउट लिखा हुआ है. That was the second place Raju logged for Tim. The park was second place where Raju logged for him Tim. ये था formative assessment. दो worksheet 15. Rearrange the given word to make a meaningful sentences and punctuate them using appropriate capital letter, comma and full stop. इसका हमें प्रयोग करके वापस रीराइट करना है. एग्जाम्पल है फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज ए. तो यस्टरडे आई वेंट टू विलेज फेयर फुल स्टॉप. सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन. आई बड़ा आएगा इसमें. आई सेट ऑन द मेरी गो राउंड फुल स्टॉप. बी है रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर और अराउंड. तो चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली फुल स्टॉप. सी है वेंट मदर विथ एंड फादर आई माई. आई वर्ड आएगा. आई वेंट विथ माई मदर एंड फादर फुल स्टॉप. सा लॉर्ड्स कैमल्स वी ऑफ गॉड्स एंड टॉयज. तो वी में डब्ल्यू बड़ा. वी सा लॉर्ड्स ऑफ कैमल्स कोमा गॉड्स एंड टॉयज फुल स्टॉप. फेयर इन लॉर्ड्स आई जलेबी एट ऑफ दैट. आई बढ़ाएगा. आई एट लॉर्ड्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर फुल स्टॉप. ये था वर्कशीट 11 12 13 14 15 और फॉर्मेटिव असिस्मेंट दो का हल. और भी वर्कशीट का हल देखने के लिए हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है. और आप कमेंट करके भी प्लेलिस्ट का लिंक हमसे मांग सकते हो जिसका जवाब हमें वापस आपको मैसेज के द्वारा देंगे. इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद.